सबसे पहले तो आपको ढेर कांग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। बॉलीवुड की दुनिया में कमबैक कर रहे हैं, हम कह सकते हैं आपका। सडनली ये कैसे दिमाग में आया कि क्रिकेट के बाद आप जो है एक्टिंग कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, दिमाग में हमेशा आज मैं बिलीव करता था स्कूल से लेके, मोस्टली मोस्ट ऑफ देम नो दैट आई डांस अ बिट, तो मेरे ही कोशिश होगा कि जो भी यू नो डायरेक्टर चाहते हैं मैं उसका यू नो जस्ट आई विल ट्राई एंड डू जस्टिस टू दैट रोल। इट्स अ कॉमेडी, इट्स कॉमेडी डिफरेंट टू माइन माई द वे ऑफ वे आई एम, तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत श्रीशांत बैक इन हिज ओरिजिनल मूड इन अ डिफरेंट वे। सो आई मीन म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, सिद्धार्थ ने म्यूजिक किया और यू नो डायरेक्टर, सो अमेजिंग प्रोड्यूसर, आई से मोर लाइक ए फैमिली। तो मैं पहले डाउट में था कि करना है, मगर जब मैंने म्यूजिक सुना इनके और स्टोरी नरेशन, आई थिंक इट वॉज अमेजिंग, तो मैं ही बोलूँगा, सारे बोलते हैं देखना चाहिए, बहुत बड़ा हिट होगा वगैरह वगैरह, मैं तो ये बोलूँगा कि आप आइए देखिए, गिव योर एक्सप्रेशन एंड हम लोग यही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए, और एक्सपीरियंस सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका दिव्यांग न्यूज़ चैनल के कला जगत कार्यक्रम में। कला जगत एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर हम विशेष कलाकारों को यहाँ पर बुलाते हैं और उनसे कुछ बातचीत करते हैं और समझते हैं उनकी जो जर्नी रही है, जो संघर्ष रहा है जिंदगी का इस स्तर पर पहुँचने के लिए, उसके बारे में बात करें। तो आज ऐसे ही एक विशेष व्यक्ति हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं बात कर रहा हूँ अतुल मकवाना साहब का। तो स्वागत है सर आपका। अतुल जी का एक अनोखा करियर है। अतुल जी एक कॉरपोरेट कंपनी में एक ऊंचे होदे पर काम करते हैं और साथ में फिल्म जगत में एक धीरे धीरे करके एक उमदा नाम और एक पहचान बनाने की इनकी कोशिश रही है और बना भी रहे हैं, और फिल्म जगत में इनको आदित्य अतुल के नाम से जाना जाता है। तो अतुल जी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो मैं चाहता हूँ कि जो आपका संघर्षमय यात्रा रही है अतुल मकवाना से लेकर आदित्य अतुल तक, तो आपका बचपन कहाँ पे गुजरा, कहाँ कहाँ आपने काम किया और फिल्म क्षेत्र में जो आप काम करने जा रहे हो, थोड़ी सी एक आपकी जो रुचि है के बारे में, फिल्म के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। थैंक यू। सबसे पहले तो आपकी चैनल में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और एक अच्छा चैनल का आपका जो नाम है मैंने सुना है, तो सुनकर बहुत अच्छा लगा, और जब मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया तो एक अच्छी खुशी महसूस हुई कि एक अच्छा बच्चों के लिए जो काम करने वाली संस्था है उन्होंने एक अच्छी चैनल शुरुआत की है, तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो यहाँ इंटरव्यू दे दूंगा तो मुझे खुद एक खुशी महसूस होगी। अभी मेरी बात करूँ तो मेरा नाम अतुल मकवाना है बेसिकली, बट मैंने नाम अडोप्ट किया है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, दैट इज़ आदित्य अतुल। और उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, कभी क्या होता है, हमने हिंदी फिल्मों में देखा है कि दो नाम वाले कभी दो लोग एक ही जगह पर आ जाते हैं तो गलत फहमियाँ बहुत हो जाती है। जैसे हमने देखा कि फिल्म हेरा फेरी में एक ही नंबर के फ़ोन की वजह से वहाँ जो हेरा फेरी हो जाती है, तो मैंने सोचा चलो ये हेरा फेरी मेरे साथ ना हो, तो मैंने अपना नाम बदल के आदित्य अतुल कर दिया। और उसी तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए मेरी जर्नी यहाँ से चेंज हुई। उससे पहले मैं एक मिनट रुकना चाहूँगा कि आप मूल कहाँ से हो, किस व्यवसाय से जुड़े हो, राइट, वो थोड़ा सा बताइए। और राइट, आदित्य अतुल मकवाना से लेकर आदित्य मकवाना आदित्य अतुल, तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे क्या क्या कारण थे? राइट, बेसिकली मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, मेरा नेटिव प्लेस राजकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और मेरी पढ़ाई बेसिकली आई एम ए केमिकल इंजीनियर, और बचपन से ही ब्लड में एक कला जगत को बिलोंग करने वाला कीड़ा कहीं ना कहीं पनप रहा था, उसको एक वक्त चाहिए था बाहर आने का। सही बात। तो वो वक्त समय के साथ साथ वो मिलता गया, पहले में माहौल भी मिलता गया, माहौल मिलता गया, लोग मिलते गए। तो शुरुआत ऐसे हुई कि मैं अपने कॉलेज के दिनों में जब पढ़ाई के वक्त ऑर्केस्ट्रा में एंकरिंग करता था, फिल्म कलाकारों की आवाज़ें निकालता था, क्या बात, और किशोर कुमार के गाने भी गाता था। तो यहाँ से थोड़ी शुरुआत हुई, फिर पढ़ाई ख़त्म हो गई, जॉब चेंज करके मैं सूरत आ गया। तो सूरत में आने के बाद मेरा जो अंदर का एक एंकर था वो तो कहीं ना कहीं जिंदा था ही था, तो मुझे वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिल गया और एक चैनल के लिए मैंने कुछ कार्यक्रम बनाने शुरू किए,
वो कार्यक्रम करते करते मुझे एक टेलीफिल्म लिखने का एक शौक आया कि चलो एक इसके साथ साथ एक टेलीफिल्म लिखते हैं। तो लिखने का ऐसा हुआ कि मेरे पापा खुद एक बहुत अच्छे पोएट और राइटर भी हैं, पंकज जरीवाला के नाम से वो लिखते हैं। तो वो एक खून में एक कलाकार जो था ही था, जो राइटर के तौर पे बाहर आया वहाँ से। तो वो मैंने एक टेलीफिल्म लिखी बनाई वो चैनल के लिए। उसके बाद जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि अभी हाँ अंदर में कुछ है लेकिन उसको थोड़ी पॉलिशिंग की ज़रूरत है, और पॉलिशिंग के लिए क्या होगा कि कोई अच्छा डायरेक्टर साथ में अगर मिल जाए तो उसको जो चाहिए क्या वो मैं बाहर ला करके दे सकता हूँ एज ए राइटर। तो वो वहाँ से शुरू हुई और मैंने यहाँ पर अप्रोच किया गांगानी फिल्म्स में जसवंत गांगानी जी का, और उन्होंने मुझे अपने असिस्टेंट में रखा। मैंने उसके साथ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर तीन फिल्में की, साथ में एज ए राइटर भी की। वो तीन फिल्म मैयरमा मरडू नथी लागतू पार्ट टू, मैं तो पालवड़े बांधी प्रीत, और मांडवड़ा रोपाओ माणाराज, ऐसी फिल्म उनके साथ करते करते मेरे अंदर की जो राइटर की पॉलिशिंग होनी थी वो हो गई। और ऐसे करते करते मैंने तीन गुजराती फिल्में की। फिर एक अंदर में ख्याल आया कि सिर्फ गुजराती तक नहीं रुकना है, तब तक अतुल मकवाना ही था। और जर्नी शुरुआत हुई मेरे एक अच्छे दोस्त और जिन्होंने मुझे हिंदी फिल्म के लिए पहचान दी, प्लेटफॉर्म दिया, वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त और बड़े भाई जैसे हितेश राठौड़। उन्होंने मुझे मेरे अंदर के उस आर्टिस्ट को देखा कि हाँ इसके अंदर वो पोटेंशियल है जो हिंदी फिल्म तक जा सकता है और अच्छी एक हिंदी फिल्म बना सकता है। तब जाके उन्होंने मुझे अप्रोच किया, हमारी काफ़ी दोस्ती हुई, और उसके बाद मैंने उनके साथ मिलके एक हिंदी फिल्म किसको पता वो कौन थी एज ए राइटर डायरेक्टर मैंने लिखने की शुरुआत की, और इस तरह से यहाँ तक की जर्नी रही। तो ये तो एक अपने आपके जो पैशन की बात की, आपने कहा कि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, तो केमिकल इंजीनियर क्योंकि आप केमिकल इंजीनियर हो तो आपने जीवन गुजारने के लिए क्या व्यवसाय अपनाया? मैं अभी कॉरपोरेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। मैं अपना करियर परस्यू करते हुए इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये अभी एक अच्छे मकाम तक पहुँचने के बाद एक वक्त आता है जब इंसान डिसीजन ले सकता है कि चलो अभी सिर्फ यही करना है। हाँ मेरा अल्टीमेट गोल वही है फिल्म इंडस्ट्री एज ए राइटर एज ए डायरेक्टर, बट वहाँ पहुँचने के लिए जो संघर्ष की यात्रा है वो 1998 से शुरुआत हुई थी। मैंने मुंबई में जा करके भी बहुत लोगों से मिला, उनसे बात की कैसे करना है क्या करना है। इवन राजश्री फिल्म प्रोडक्शन तक भी गया हूँ, वहाँ पर मुझे अच्छा गाइडेंस मिला कि आप किस तरह से इसको बैलेंस कैसे करते, क्योंकि कॉर्पोरेट में जो आदमी बंदा काम कर रहा है उसके ऊपर प्रेशर बहुत होता है कॉर्पोरेट का, आपकी आपका एक परिवार भी होगा। हाँ, तो ये परिवार अपना जॉब और साथ में आपका पैशन, इस चीज़ को बैलेंस करने में कितना संघर्ष करना पड़ता है? संघर्ष बहुत रहता है एक्चुअली। मैं जब पहली कंपनी जहाँ तब रहते हुए मैंने तीन गुजराती फिल्में की, उस टाइम पे मेरे जो सबॉर्डिनेट्स थे उनका भी और मेरे सुपीरियर्स का भी अच्छा कोऑपरेशन रहा। मुझे छुट्टियां मिलती थी जो साल की, वो मैं क्या करता था छुट्टियां बचा के रखता था, और जब फिल्म का काम आता था तब वो छुट्टियों को इस्तेमाल करता था। और वो करने के लिए मेरी फैमिली ने काफ़ी सेक्रीफाइस किया, मैंने उनको जो देने वाले वक्त की छुट्टियाँ थी वो मैंने फिल्म के लिए इस्तेमाल की। और इसी तरह से ये गुजराती फिल्में की, वहाँ से फिर मैं हिंदी फिल्म तक पहुँचा, तो हिंदी फिल्म की मेरी जब म्यूज़िक की रिकॉर्डिंग हुआ करती थी तो मैं क्या करता था, फ्राइडे को नाइट को ट्रेन लेता था, सैटरडे मॉर्निंग मुंबई पहुँचता था, सैटरडे संडे पूरा दिन भर और दो दिन में म्यूज़िक का जो काम था पहले से डिसाइडेड रहता था। मेरे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और जो है हितेश भाई, वो पूरा अरेंज करके रखते थे कि वहाँ जाने के बाद मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर को मिलना है, गाने का रिकॉर्डिंग है, उसके बाद एक ये मीटिंग है, आर्टिस्ट के साथ नरेशन है, ये सब उनका पहले से प्रोग्राम फिक्स रहता था। तो मेरे लिए थोड़ा ये आसान हो जाता था कि दो दिन में मुझे क्या करना है, मेरे पास पूरा प्रोग्राम रहता था, फिर सब काम निपटा के संडे नाइट को वापस से ट्रेन पकड़ो, सुबह 6 बजे अहमदाबाद उतरो, फटाक से घर पहुंचो, 7 बजे नहा धो और फिर से कंपनी पे चले जाओ, दोबारा चले जाओ। तो इसमें भी मेरी फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो इस तरह से लाइफ बैलेंस करते हुए अपना पैशन को परस्यू कर रहा हूँ। एक वक्त आएगा जब फिर अपना जो पैशन है उसी को जब करियर बनाऊंगा तो अपने फैमिली को ज़्यादा वक्त दे पाऊंगा। सही बात है, और हम चाहते हैं कि ईश्वर आपको खूब आशीर्वाद दें
तो आप शुक्रिया, बहुत अच्छे एक डायरेक्टर बनो और बड़ी अच्छी फिल्म बनाओ हमारे लिए, तो हमारे दर्शक भी देखेंगे उसको। थैंक यू। हम आपके कॉलेज के दिनों की बात करते हैं। आपने जैसे कहा कि मुझे गाने का शौक था, मिमिक्री का शौक था, तो क्या वो शौक अभी भी रखते हो आप? शौक है, बट अभी उसको प्रोफेशनल लेवल से डिटैचमेंट हो गया उसका, तो अभी भी मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को कोई एक मिमिक्री की कोई चीज, मतलब जैसे आप वॉइस मॉड्यूलेशन करते हो, वॉइस मॉड्यूलेशन, तो आपकी जो कला है वो दर्शक तक पहुँचे, ये मैं चाहता हूँ। अच्छा चलिए, तो मैं दो आवाज़ें निकाल के बताता हूँ। एक फिल्म थी हीर रांझा, उसमें अगर ओरिजिनल कैरेक्टर ना होते हुए किसी कॉमेडियन को अगर ला दिया जाए तो उस क्या सिचुएशन सिचुएशन कैसे बन जाती है, उसका एक छोटा सा एक मिमिक्री पेश कर दूंगा। विलन के तौर पे है जीवन, जो बहुत जाने माने फिल्म कलाकार रह चुके थे उस वक्त के, तो अगर वो होते तो प्राण साहब की जगह पर वो डायलॉग कैसे बोलते थे। तो पहला है जीवन साहब बोलते हैं, देखो बर खुरदार, लिया अगर हीर का नाम तो जबा काट लूंगा समझे। तो अगर उसके सामने जब राजकुमार है इतने बड़े कलाकार, और उसका रिप्लेसमेंट अगर सोच लो कि कॉमेडियन जगदीप करेंगे तो उसकी हालत क्या हो जाएगी, तो उसका जवाब देते हैं जगदीप, अरे अरे हाय जबा जबा चाहे खींच लो, उसे फेविकोल से झोट कर लूंगा, बुलाऊंगा वालों को, निकाले अपनी अपनी तलवारे, खटा खट सटा सट। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू। पूरे ये दोनों को पूरा आपने एक यादगार कर दिया इसको, इस पल को। तो हम गाने का भी शौक रखते हैं, आपने बोला कि किशोर कुमार के आवाज में आप गाते हो, तो एक आध लाइन अगर हो सके तो एक गुनगुना दीजिए। जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि काफी टाइम से मैंने गाया नहीं है, ठीक, तो आवाज थोड़ी चेंज जरूर हो गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपने कहा है तो मेरे नैना सावन भादो। क्या बात है, क्या बात, किशोर कुमार साहब का बहुत अच्छा गाना है। इरशाद। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। क्या बात है, बहुत ये बेस सॉन्ग है, उसमें गले का बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा शौक मैं भी रखता हूँ गाने का। क्या बात, तो मैं मैं भी सुनना चाहूंगा कभी मौका मिले पक्का सुनाऊंगा आपको। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपकी जो आने वाली हिंदी फिल्म की बात करते हैं, तो इसमें जैसे आपने बताया कि श्रीशांत जो क्रिकेटर है उनको भी आपने स्टार कास्ट किया है, तो थोड़ा सा उस फिल्म के बारे में, उसकी जो स्टोरी की एक जिस्ट, मतलब एक रूपरेखा अगर आप दे सकते हैं दर्शकों, तो वो एक एक्साइटमेंट रहेगा कि आप जो फिल्म बना रहे हो जब आएगा पर्दे पे तो सब शौक से देखना चाहिए। डेफिनेटली, ये जो फिल्म है किसको पता वो कौन थी, एक गुजराती बेस्ड फैमिली का एक लड़का जो आज की तारीख में जीना चाहता है, उसको कल की कोई फिक्र नहीं, और हम आप जानते हैं कि हम गुजराती लोग जो होते हैं वो बिजनेस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो उसके फादर बहुत पक्के गुजराती बिजनेसमैन है, उसका ये बेटा जो कॉलेज की लाइफ में आज में और अभी में जीना चाहता है, उसको कल के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसको बिजनेस में अभी कोई इन्वॉल्व नहीं होना है, ऐसे लड़के की कहानी है जो खुले से अपनी लाइफ जी रहा है, उसके तीन दोस्त जिसके साथ पूरी कॉलेज लाइफ एंजॉय करा, और अचानक से उस कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है कि उसके साथ ऐसा एक हादसा हो जाता है, तो वो हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आगे में ऐसा क्या हुआ जिसको ढूंढने के लिए पूरा एक अच्छा सा गोल चक्कर घूम जाता है, और एक पूरी फन फिल्म है, इसके वो सस्पेंस है, तो मैंने इस फिल्म का जो टैगलाइन है उसमें ऐड किया है अ फन स्पेंस फिल्म। जनरली सस्पेंस होता है, हमने फन और सस्पेंस को जोड़ के फन स्पेंस बनाया है, और ये एक बहुत अच्छी सस्पेंस मूवी की जो कहानी है ऐसी है कि एक लड़की उसके साथ ऐसी क्या घटना कर जाती है कि जिसको ढूंढने के लिए वो पूरा आकाश पाताल एक करता है कि मेरे साथ वो लड़की ऐसा क्या कर गई और क्यों कर गई,
फिल्म बहुत अच्छी है, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं और फैमिली मूवी है ये, कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट। श्रीशांत के सिवा और कौन कौन स्टार कर श्रीशांत है वो जो गुजराती लड़के का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, बावजूद उसके वो केरला से बिलोंग करता है, बहुत अच्छा उसका। जब हमने मीटिंग की थी उनके साथ तो ही वॉज क्वाइट इम्प्रेस, उसको कहानी बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। उसको किसी ने मना किया था कि ये फिल्म मत करो, बट जब उन्होंने नेरेशन सुना तो उसने कहा कि नहीं ये फिल्म मैं डेफिनेटली करूँगा। तो इस फिल्म में इसके साथ टिकू तलसानिया है, उपासना सिंह है, केतकी दवे है, राजपाल यादव है और ऐसी बहुत सारी अच्छी स्टारकास्ट है। म्यूजिक भी बहुत अच्छा बना है जिसमें अभी के जो लीडिंग सिंगर है उन्होंने गाया है, जैसे भूमि त्रिवेदी है, दर्शन रावल है, अंतरा मित्रा है, पलक मूंचाल है, इन्होंने गाने गाए हैं। तो लोगों को आपने अच्छा ब्रेक दिया। यस, बहुत अच्छा म्यूजिक है जो क्लास और मास दोनों को पसंद आने वाला म्यूजिक बनाया है इस फिल्म के द्वारा। तो आई डेफिनेटली कौन से कि फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो आपने श्रीशांत को ही क्यों चुना, इसकी क्या वजह? श्रीशांत को चुनने के पीछे की वजह ऐसी है कि वो बहुत अच्छा एक डांसर है, बहुत अच्छी उसकी एक कॉमिक टाइमिंग भी है और मेरा जो एक कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा, मतलब मैं जैसे अभी बताया ना कि लाइफ को आज में जीने वाला, हर एक पल को एंजॉय करने वाला, हर एक फन मोमेंट में से फन निकालने वाला, तो उस तरह से उसको जस्ट मैं सोच रहा था और उनके साथ काफी टाइम से बातें चल रही थी और फिर मुझे लगा कि यस ही इज फिट फॉर दैट, तो फिर श्रीशांत को फाइनल किया हम लोग ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के जो युवा वर्ग हैं जो एस्पायर करते हैं कि अच्छे एक्टर बने, right. अच्छे डायरेक्टर बने और फिल्म में एक एंट्री हो उनकी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस लाइन में जुड़े हुए, बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है। करेक्ट। तो किसी अगर ये यूथ को आप सलाह देना चाहोगे कि भी इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आपको अपना करियर जो है वो तराशना है अच्छी तरह, कैसे आपको एंट्री मिल सकती है, तो उसमें जो अपने आप में जो खूबियाँ होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति में एक अलग अलग खूबियाँ होती है, राइट, तो उसको लेकर कैसे पेश किया जाए और कैसे इस फिल्म के प्लेटफॉर्म पर अपना कदम रखें। देखिए, फिल्म कैरियर के बारे में बात करूं तो मुंबई में रोज़ हज़ारों लाखों लोग एक्टर बनने के लिए आते हैं, जस्ट सिर्फ मुझे पसंद है करके आना और एक पैशन होना, वो दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर बॉर्न आर्टिस्ट है तो उसको ज़्यादा सिर्फ मेहनत करनी है कि सही प्लेटफॉर्म पे जा कर के लोगों को मिले, क्योंकि इसमें से बोलते हैं ना कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 100 में से 90 लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो सही दिशा में नहीं ले जाएंगे, तो आपको 10 लोग ढूंढने हैं और 10 लोग ढूंढने के साथ साथ अगर आपके अंदर की इनहेरेंट अगर टैलेंट है तो उस टैलेंट को पॉलिश करते रहिए, अच्छे लोगों से मिलते रहिए जहाँ जहाँ पर। अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ आप कला को ले जा करके दिखा सकते हैं कि यस मेरे में ये टैलेंट है। एक वक्त था जब लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, लेकिन अभी एक वक्त है जब लोग अपनी कला को डांस के फॉर्म में, एक्टिंग के फॉर्म में, कहीं भी किसी भी माध्यम से दिखा सकते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आजकल आ गए हैं, बट हाँ बोलते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी एक चीज़ है जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो है कड़ी मेहनत और लगे रहना, और इस लाइन में जाने के साथ साथ ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम किसी गलत डायरेक्शन में ना चले जाए, किसी गलत लोगों के साथ मिल के ऐसी दिशा में ना चले जाए कि जहाँ से वापस ना आ सके। हाँ, पॉलिश करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे एक्टर को मैं ये बोलूँगा कि आप वहाँ पर जाकर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मुंबई में बहुत अच्छे सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप अपनी एक्टिंग को पॉलिश कर सकते हो। उसके साथ साथ बहुत सारे एक्टर हैं जिनको आप फॉलो करिए, वो कैसे किस तरह से और क्या बोलते हैं, उस तरह के कैरेक्टर को डायलॉग डिलीवरी का थ्रो क्या है, किस तरह से वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, डायलॉग के अनुरूप और सीन के अकॉर्डिंग किस तरह से वो एक्ट करते हैं। मैं बोलूँगा अमिताभ बच्चन, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, उनकी फिल्म देखो तो सिर्फ देखने के लिए मत देखो, कुछ सीखो और उसमें क्या कर रहे हैं वो देखो। अगर आज मैं इतना कर रहा हूँ तो उसके पीछे मेरी कहानी ये है कि जब मैं कभी भी, मैं बोलूँगा संजय लीला भंसाली, वो डायरेक्टर अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है,
उसके शॉर्ट्स को मैं देखता हूँ हमेशा। एज ए डायरेक्टर मुझे कुछ सीखना है, भले ही मैं 3 फिल्म में गुजराती कर चुका हूँ, एक हिंदी करने जा रहा हूँ, बट फिर भी वो है, राज कपूर है, यश चोपड़ा है, उनकी फिल्म में जब देखता हूँ तो उसने इस एंगल को कैसे लिया, उसमें शॉट की डिमांड क्या थी, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, किस बेस पे ये शॉट लिए, उस एंगल से मैं देखता हूँ, तो मैं भी कुछ सीखता रहता हूँ हमेशा। तो आपके अंदर सीखने की हमेशा लगन होनी चाहिए और आप सीखते रहोगे तो अपने आप एक वक्त आएगा जब प्लेटफॉर्म मिल ही जाएगा। आपके इस करियर में आपने कई लोगों को ब्रेक दिया, कई आर्टिस्टों को ब्रेक दिया, जैसे बालवीर का एक कलाकार है, देव जोशी, राइट, एब्सोल्युटली, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि दर्शक जानना चाहेंगे। राइट, देव जोशी आजकल बालवीर के नाम से फेमस है। देव जोशी की जो कहानी शुरू हुई थी वो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से हुई थी, जब छोटे मोटे एक दो रोल किए, उसके बाद हमारी फिल्म जो मैयरमा मनडू नथी लागतू पार्ट 2 जब आई थी तो उसकी कास्टिंग चल रही थी। वो टाइम पे 4-5 अलग अलग बच्चों के हमने ऑडिशन लिए थे, उनमें से जो अच्छा और पॉलिश्ड थोड़ा लगा वो हमें देव जोशी लगा, फिर उनको कास्ट किया, उनको एक दो डायलॉग दे करके उनसे बुलवाया, जो सिचुएशन डिमांड कर रही थी उस हिसाब से, क्योंकि आई वॉज राइटर ऑफ दैट फिल्म, करेक्ट, तो मुझे पता था कि इस ये सीन की डिमांड क्या है, इस सीन की रूह क्या है, तो क्या वो ये बच्चा वो डिलीवर कर पाएगा, क्योंकि फिल्म का सेंटर कैरेक्टर वो बच्चा था उस फिल्म में, तो अगर वही अगर सही नहीं मिला तो वो फिल्म मर जाती थी। तो मेरे फिल्म के डायरेक्टर जसवंत गांगानी और हमने जब उसका ऑडिशन लिया, फिर उसको फाइनलाइज किया, तब जसू जी ने मुझे बोला कि अब इसको बोलते ना रो है अभी ये बच्चा, उसको पॉलिश करके, ये जो हीरे को तराशने का काम तुम्हारा है, तो हर एक सीन से पहले उसके साथ बैठ के मैं पूरा रिहर्सल करके, बटे इसको ये डिमांड है, इस तरह से बोलना है, तो उस तरह करते करते वो उसका ग्रास्पिंग पावर टू गुड है, सॉलिड था, उस बच्चे की एज के हिसाब से उसने जो डिलीवरी की थी, वो सिचुएशन को और सीन की डिमांड को जो समझता था वो बहुत ही बढ़िया था, और वो मेरे लिए थोड़ा उस तरह से आसान हो गया, और बाकी मैं पॉलिश उसको थोड़ा करता गया सीन की डिमांड के हिसाब से, एंड ही साइंड, और उस फिल्म में उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री, नाउ ही इज वेरी फेमस एज अ बालवीर। राम गई कलना लेसन नो सो थायो भुलाई गयो साहेब, चलो कान पकड़ी ने मारी बाजू में उभा रही जाओ। भले साहेब। કેટલી વાર લખવાના સાહેબ? 5-5 વાર। ભલે સાહેબ, 5-5 વાર। પણ સાહેબ, પછી ભૂલી જવાય તો? તો પછી તમારા મમ્મી પપ્પા ને બોલાવવામાં આવશે, અને તમારે મુર્ગો બનવું પડશે, એ અલગ। જી સાહેબ। હેલો બંડલ, મુજે ટ્રીટમેન્ટ કી બદલે ચાલે ટ્રીટમેન્ટ ક્યું મિલી હે? કોઈ ટેન્શન વાલી બાત તો નહીં હે ના? ફિકર મત કરો કુબાન, કિસી ભી ઇલાજ કા અસર હોને મે થોડા સમય તો લગતા હે, ઇંતજાર કરો। ટાઈમ લગેગા, લેકિન મમ્મી ને તો 5 બજે તક ઘર પર દેખુગા, અગર સૂર્ય ગ્રહણ જી મને વાપસ નહીં લોટુંગા તો મમ્મી કા ગુસ્સા ઝીલના પડેગા। કોઈ બાત નહીં વિવાન, તુમ ઘર જા સકતે હો, लेकिन घर जाकर किसी भी चीज को छूना मत। ओके बटर, पानी भरी, तब तक आप मेरे साथ चलिए ना, जब तक पार्टनर के जादू का असर नहीं हो जाता तब तक आप मेरे साथ चलकर मेरे हाथों पर ठंडा पानी छिड़कते रहना प्लीज। एक पर्सनल क्वेश्चन, आप केमिकल इंजीनियर हो, आपने कदम रखा फिल्म जगत में, अगर ना रखा हो तो क्या होता? तो ऐसा कौन सा पैशन है उसके अलावा कि आप अभी भी मन में रख के चल रहे हो कि अगर मुझे समय मिला तो मैं ये भी करना चाहूँगा? मेरे लिए आपका सवाल बहुत अपनी जगह सही है कि ये नहीं होता तो क्या होता, ये नहीं होता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि यही है जो मेरे अंदर एज ए फ्यूल काम कर रहा है, मुझे लाइफ में जीने की एक वजह और मजबूत करके दे रहा है कि यस दिस इज़ योर पैशन, इसको अचीव करने के लिए आपको आगे करते रहना है। क्योंकि देखिए मैकेनिकल लाइफ हो जाएगी ना कभी भी,
तो उसके अंदर से फ्लेवर चला जाता है. Absolutely. और अगर लाइफ के अंदर में अपनी लाइफ में फ्लेवर बनाए रखना है, उस लाइफ को अगर जिंदा रखना है, अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखना है, तो भले ही आप पैशन को परस्यू करो ना करो अलग बात है, लेकिन अंदर एक अगर कला होनी चाहिए, आपको कुछ अलग करने की एक इच्छा होनी चाहिए जो आपको आगे ले जाता है. तो मेरे लिए तो ये था कि अगर मेरे अंदर में ये नहीं होता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि यही है जो मेरे लिए एक फ्यूल का काम कर रहा है. तो इसके अलावा मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं क्या करता. ओके तो दर्शक मित्रों, ये थे हमारे साथ आदित्य अतुल यानी अतुल मकवाना साहब, जो आने वाले कुछ महीनों में एक बहुत सुंदर से हिंदी मूवी लेके आ रहे हैं. आज उनसे काफ़ी हमारी बातचीत हुई, तो मैं धन्यवाद कहूँगा उनको कि आज हमारे स्टूडियो पर आए और हमसे कुछ बातचीत की. थैंक यू. कला जगत का ये कार्यक्रम यहाँ पर हम समाप्त करते हैं. दोबारा उपस्थित होंगे आपके सामने एक नए व्यक्ति के साथ, एक नए कलाकार के साथ. नमस्कार. नमस्कार.